बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और अभी जी यहाँ पर टाइम था कोई 11:30 का और मैं जा रही थी इब्राहिम को नर्सरी से पिक करने। तो अभी जैसे देख सकते हैं कि वेदर बड़ा अच्छा था और धूप निकली हुई थी। अभी यहाँ पर विंटर जो है वो स्टार्ट हो गई है, लेकिन आज मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था और हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग इसके बाद जाएंगे कहीं घूमने फिरने के लिए। तो मैंने जी नेट के ऊपर रिव्यू पढ़े थे, माउस ट्रैप जो है वो सॉफ्ट प्ले एरिया इसका, और ये जो है ये बुलवेल में है। तो हमने सोचा कि चलो जाएंगे और थोड़ा सा ये जो टाउन है ना, हम लोग इसको भी थोड़ा सा विज़िट कर लेंगे और साथ बच्चों को सॉफ्ट प्ले भी ले जाएंगे। तो टाउन जो है ये छोटा सा टाउन था और बहुत अच्छा था, क्वाइट सा था। और यहाँ पर टेस्को, लिडल, मैटलैन ब्रांड्स हैं। और जो हम लोग जाना चाह रहे थे माउस ट्रैप में, वो भी हम लोगों को मिल गया था, इजीली मिल गया था, जो कि बिल्कुल टेस्को के साथ ही है। और माशाल्लाह से बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। तो ये बिल्कुल आपको टेस्को की एंट्रेंस के साथ ही इसकी भी एंट्रेंस मिलेगी। छोटा सा सॉफ्ट प्ले है बेसिकली। जो मुझे लगता है कि ये इन्होंने ज़्यादा जो है ना, ये पार्टी सेलिब्रेशन के लिए ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है और साथ इन्होंने एक छोटा सा बच्चों के लिए सॉफ्ट प्ले बना दिया है। अच्छा, तो अगर आपके बच्चे जो हैं वो बिग स्लाइड लवर्स हैं, तो यहाँ पर जो स्लाइड्स हैं वो काफ़ी बड़ी थी और इब्राहिम को माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा। पहली दफ़ा इब्राहिम ने इसका रास्ता बड़ी मुश्किल से ढूंढा, लेकिन फिर जो है ना, इसको समझ आ गई थी कि अब किधर किधर से ऊपर जाना है और किधर तक, किधर से जाके स्लाइड तक पहुँचना है। तो माशाल्लाह से ये कोई 2 मिनट नहीं लगाता था और ये स्लाइड भी पहुँच जाता था और माशाल्लाह से इसने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और जो छोटे बच्चों वाला सेक्शन था, कोई मुझे ख़ास वहाँ पर नहीं लगा। इस्माइल जितने बच्चों के लिए मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन ओवरऑल ये है कि जैसे आपको पता है कि यूके का वेदर जो है वो बड़ा ख़राब होता है, बच्चे जो हैं वो कहीं बाहर पार्क वगैरह में नहीं जाके प्ले कर सकते, तो उस हिसाब से ये एक अच्छा है, अच्छी जगह थी। और ये आप देख सकते हैं कि ज़्यादा जो है ना, इन्होंने ये पार्टी जो है ना उसके लिए, पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज करने के लिए इन्होंने प्लेस बनाई हुई है। यहाँ पर आप पर डे पार्टीज़ वगैरह जो हैं उसकी प्री बुकिंग कर सकते हैं। और इसका जो टिकट था वो आई थिंक 4 पाउंड जो है वो पर चाइल्ड था और 1 पाउंड जो है वो एडल्ट्स के लिए था। और अच्छा था ये कि मतलब बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा जाके इंजॉय कर लेते हैं और खेल लेते हैं, और मुझे अच्छा लगा था। ये एक छोटी स्लाइड्स भी थी इस्माइल जितने बच्चों के लिए। तो बाकी ये कि यहाँ पर जैसे बॉल्स वगैरह, मैंने शायद एक पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें बच्चों के लिए काफ़ी बॉल्स वगैरह थी और ट्रैम्पोलिन थी, वो यहाँ पर नहीं था। छोटा सा सॉफ्ट प्ले था, अच्छा था। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने ये कुछ ब्लॉग्स वगैरह रखे हुए थे और ये कुछ डिफरेंट शेप्स वगैरह की कुछ डक्स वगैरह बनाई हुई थी। और यहाँ पर इब्राहिम जो है वो पूरा का पूरा ब्लिपी बनने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा था और वो अपनी कोशिशों में कामयाब भी हो रहा था। तो जैसे वो इसने देखा होगा टीवी में कि वो ब्लॉग्स बनाता है और वो फिर गिराता है और वो खुद भी गिरता है, तो यहाँ पर इब्राहिम भी सेम बिल्कुल वही कुछ कर रहा था। और स्लाइड में भी ये आके बिल्कुल ठीक ठाक ऊपर आता था और नीचे आके गिर जाता था। मतलब ये अपने आप को बिल्कुल, इसको लग रहा था कि मैं ब्लिपी हूँ। खैर, यहाँ पर मैं आपको साथ साथ थोड़ा सा इसका जो इंडोर है वो और बताऊँगी कि ये कैसा बना हुआ है। ये कुछ मतलब बहुत बड़ी जगह पर नहीं था, छोटा सा था और अच्छा था।
इसके बाद ही हम लोग गए थे टेस्को के ऊपर, और वहाँ से मैंने की थी कुछ शॉपिंग वगैरह, और उसके बाद हम लोग चले गए थे घर। और घर जाके मैंने बच्चों को थोड़ी देर के लिए सुलाया था। खाना जो है वो हम लोगों ने दिन को नहीं खाया था, क्योंकि हम लोगों ने सुबह जो है वो ब्रेकफास्ट अच्छा किया था तो भूख नहीं थी। तो फिर शाम को हम लोग तकरीबन 3-4 बजे हम लोग चले गए थे रेस्टोरेंट के ऊपर। हम लोगों ने खाना बाहर खाया, और ये एक तुर्किश रेस्टोरेंट है जिसमें ये आपको पहले सूप सर्व करते हैं। सूप इनका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, मैं कभी कभार खा लेती हूँ, लेकिन मुझे वैसे ज़्यादा ये पसंद नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बच्चों को भी ये पसंद नहीं है, बच्चे भी नहीं लेते, लेकिन मेरे हस्बैंड को ये पसंद है। तो बस यहाँ पर ये मैंने कुछ एक दो स्पून इसकी ली थी, उसके बाद जी खाना आ गया था। खाने में राइस थे, ये वेजिटेबल चिकन राइस थे, और ज़्यादा इसमें जो सूप आ रहा था ना, वो यखनी वाला सूप आ रहा था। अच्छा था खाना, अच्छा था, राइस भी अच्छे बने हुए थे, कुछ इसमें वेजिटेबल्स डली हुई थी, कुछ इसमें वेजिटेबल राइस वाला टच था, और कुछ इसमें जो पुलाव वाला होता है कुछ उसका कम्बिनेशन था, लेकिन अच्छा अच्छा फ्लेवर था। और चावल तो मुझे जैसे भी हों, चावल मुझे खाने में बड़े पसंद हैं। बच्चों के लिए जी चिप्स ऑर्डर किए हुए थे, लेकिन बच्चों ने कोई चिप्स नहीं खाए, तो चिप्स भी उनकी मामा नहीं खाए। ऐसे जी मुझे वॉइस ओवर करना जो है ना, वो बहुत मुश्किल काम लगता है। अभी भी जैसे मैं वॉइस ओवर कर रही थी और इस्माइल आके रोने लग गया, इसको लग रहा होता है कि मामा जो है वो नानों से बात कर रही होंगी या दादा बू से बात कर रही होंगी, तो ये मेरी बात नहीं करवा रही। खैर यहाँ पर जो है मैं अपने व्लॉग को करती हूँ एंड, और इंशाल्लाह मैं अपना नया व्लॉग आप लोग के साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं अपने फिर किसी नए व्लॉग में आप लोगों के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अपनी दुआ में याद रखना, और आप लोगों के ढेर सारे प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।